जहां जहां सरकारें दूसरी पार्टियों की आई, कांग्रेस पार्टी की आई, उन्होंने ये प्रयास किया कि मोदी जी की ये जो रेल है, जो बड़ी तेजी से चल रही है, इस रेल को डीरेल कैसा करें। और फिर जहां पर हमारे भूमि पुत्र होने के नाते आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी इस राजस्थान को पानी पिलाने के लिए, हर घर पानी देने के लिए 30,000 करोड़ रुपया देते हैं, और गहलोत जी की सरकार वो सारा पैसा खा जाती है और डकार भी नहीं देती। लोग प्यासे के प्यासे हैं और इनके जेबों में सारा का सारा पैसा चला जाता है। हजारों करोड़ रुपए जो मोदी जी की योजनाओं से राजस्थान में पहुंचे, गहलोत जी कभी ना कभी हिसाब तो देना पड़ेगा। हिसाब हम लेकर रहेंगे, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा जनता का पैसा है, ये गरीबों का पैसा है, ये उनके लिए आया हुआ पैसा है। इस एक एक पैसे का हिसाब गहलोत जी आपको देना पड़ेगा, और आपको भी ये हिसाब मांगना पड़ेगा। और हिसाब मांगने के लिए जब ये सरकार चुनाव के लिए सामने जाएगी, उस समय इनको हिसाब मांगना, ये हिसाब दे नहीं पाएंगे, तब जाकर इनको घर बैठाना।